आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऐसे वोकल को इस टाइप के भारी वोकल में चेंज किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी लोग EDM सॉन्ग्स को सुनते रहते हैं और वहां पर इस टाइप का भारी वोकल हमने जरूर सुना होगा और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इस तरीके का वोकल बनाना है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वेव्स का वोकल बेंडर। तो अभी जो आपने वॉइस सुनी थी उसका प्रीसेट ये है, बहुत ही सिंपल है। मैं अभी इसको फुल रीसेट कर देता हूँ। तो देखो, इसमें दो बड़ी बड़ी नॉब देखने को मिलती हैं, फर्स्ट पिच की और सेकंड फॉर्मेट की। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर वोकल्स को रियल टाइम में ट्रांसपोज कर सकते हो, 12 सेमीटोन अप और 12 सेमीटोन डाउन। तो एक बार मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर आप दोबारा इसकी वैल्यू को रीसेट करना चाहते हो तो ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, जो कि वेव्स के लगभग सारे प्लगइन्स पर यह शॉर्टकट काम करता है। और जो दूसरी नॉब है इसके अंदर वो है फॉर्मेट की नॉब। आप चाहें तो वोकल का फॉर्मेट 12 सेमीटोन अप या फिर डाउन शिफ्ट कर सकते हो। अब फॉर्मेट में आपको जो 12 सेमीटोन अप का साउंड सुनने को मिलता है वो कुछ चिपकंग टाइप का सुनने को मिलता है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो आप जो चिपकंग टाइप के वर्जन सुनते हो उसमें आप फॉर्मेट को शिफ्ट कर दो 12 सेमीटोन, तो आपका वैसा वर्जन बन जाएगा। लेकिन अगर आप EDM में जो भारी वोकल, जो कि मैंने अभी इस वीडियो की शुरुआत में आपको सुनाया था, वैसा टाइप का कुछ बनाना चाहते हो तो आप फॉर्मेट को 12 सेमीटोन डाउन शिफ्ट कर दीजिए। आप चाहो तो पिच और फॉर्मेट को एक साथ भी मूव कर सकते हो इस लिंक वाली नॉब के साथ। ये नॉब है, ये बटन जैसा दिख रहा है लेकिन ये नॉब है। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके अप डाउन ड्रैग करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो पोजीशन अभी बनी हुई है उसको बनाए रखते हुए अप डाउन मूव करती हैं। वोकल बेंडर में आपको पिच फ्लैटन का ऑप्शन और देखने को मिलता है। तो यहां पर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो और कोई भी एक नोट आप चुन सकते हो। तो जैसे मेरे सॉन्ग का जो स्केल है वो C3 अरेबिक है, तो मैंने यहां पर C3 नोट को चुन रखा है। अब एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। अभी हो गया रहे कि थोड़ा सा अप ऑक्टिव वाली वोकल मेरे को सुनाई दे रही है, जो कि मेरे को अभी फिट होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूं यहां पर इसका ऑक्टिव डाउन करना, तो मैं यहां पर C2 को सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी आप एक फ्लैटन वोकल को सुन रहे हो और आप चाहो तो इसको ओरिजिनल वोकल के साथ मिक्स कर सकते हो इस मिक्स नॉब की मदद से। तो सुनने में आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर वो सब चीजें ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको M1, M2 और AM और PT नाम से कुछ एनवेलप और ऑटोमेशन को सेट करने के लिए पैरामीटर्स मिलते हैं। तो एक बार इनको और देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं M1 पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर LFO या सीक्वेंस बना सकते हो। अगेन, अगर आपको सीक्वेंस को ड्रॉ करना है या LFO को ड्रॉ करना है तो आप ये पेंसिल वाला टूल सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मैंने पेंसिल वाला टूल सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से लेफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ पर अपने सीक्वेंस को बना सकता हूँ। और अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं यहाँ पर इस इरेजर वाले मार्क पर क्लिक कर सकता हूँ। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो मैं अभी ये साइन वाला कर्व मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर M1 LFO की वैल्यू आप अगर असाइन करना चाहते हो पिच पर, तो आप यहाँ पर इस नॉब के नीचे क्लिक कीजिए और M1 को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक आर्क दिख रहा है, ठीक है। इस आर्क की वैल्यू है, आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके अप डाउन ड्रैग कर लीजिए। तो अभी ये 12 सेमीटोन अप डाउन मूव हो रहा है। तो हालांकि मैं इसकी वैल्यू कम कर लेता हूँ, मैं इतनी ही करता हूँ, या फिर थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से सुनाने के लिए मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। और तो अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से M1 को असाइन कर सकते हो फॉर्मेट के ऊपर भी। अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इसको फॉर्मेट के ऊपर असाइन करूँ, तो राइट क्लिक करके मैंने इसे नन कर दिया और फॉर्मेट के ऊपर लेके गया मैं, और यहाँ पर M1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दिया इसकी, और जो अभी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉर्मेट की वो मैं इसको अभी 0 पर ले आता हूँ।
इस तरीके से आप M2 को भी सेट कर सकते हो, M2 में भी आप अपना सीक्वेंस या LFO बना सकते हो, आप चाहो तो उसको पिच के ऊपर या फॉर्मेट के ऊपर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है एम्पलीट्यूड का, आप चाहो तो ऑडियो का जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग पिच और फॉर्मेट को एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं इसको सुनता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑडियो का जो एम्पलीट्यूड है वो देखने को मिल रहा है। आप इसका लेवल कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो और अटैक और रिलीज को भी सेट कर सकते हो। तो अटैक और रिलीज से जैसी वैल्यू बढ़ेगी, वो अटैक बढ़ा दिया तो थोड़ा देर से वैल्यू बढ़ेगी, और ऐसे रिलीज जब वैल्यू कम होगी तो थोड़ी देर बाद कम होगी। ये आपका अटैक और रिलीज काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ये एम्पलीट्यूड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप इसका लेवल कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो जैसे मैं अभी इसका लेवल बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर आते हैं हम पिच पर, तो जो हमारे वोकल की पिच है आप उसके अकॉर्डिंग भी पिच और फॉर्मेट को शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, अब मैं इसको आपको असाइन करके नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिच चेंज हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो आप उसको भी ट्रैक करते हुए असाइन कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन अगेन आता है राइट क्लिक करके, तो पीटी ऑप्शन आ रहा है, आप इसको असाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा ट्यूटोरियल कंप्लीट वोकल वेंडर के ऊपर। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और मैंने सारी चीजें इसमें कवर करी हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।